बच्चों आज हमारा क्वेश्चन है सर्कल द कंपोजिट नंबर। हमें इनमें से देखना है कि हमारा कौन से कंपोजिट नंबर है। इसके लिए पहले हमें समझना होगा कंपोजिट नंबर हमारे होते क्या है। तो कंपोजिट नंबर हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर द नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर, सॉरी द नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर। क्या होता है द नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन टू फैक्टर। जिन नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, द नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर, जैसा हमारा फोर है। अब फोर के देखेंगे किसके फैक्टर किस किस नंबर से डिवाइड होता है, कंप्लीट वन से होता है, टू से होता है और फोर से होता है। मोर देन टू फैक्टर, दो फैक्टर से ज़्यादा है तो ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ऐसे अगर हम देखेंगे सिक्स, भाई वन से जाएगा, टू से जाएगा, थ्री से जाएगा और सिक्स मोर देन टू फैक्टर है तो ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ऐसे एट की बात करेंगे, एट किस किस से डिवाइड होगा, वन से होगा, टू से होगा, फोर से होगा और एट से होगा, मोर देन टू फैक्टर है तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। ऐसे अगर मैं नाइन की बात करूँ, वन थ्री और नाइन दो से ज़्यादा फैक्टर है तो ये हमारे क्या हो गए, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए, फैक्टर मतलब दो से ज़्यादा नंबर से ये पूरा पूरा डिवाइड होते हैं। जैसे हम टेन की बात करेंगे, टेन किस किस से कंप्लीट डिवाइड होता है या टेन किस किस की टेबल में आता है, वन की टेबल में आता है, टू की टेबल में आता है, फाइव की टेबल में आता है और टेन की टेबल में, तो ये नंबर क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। ओके, अगर हम देखेंगे कंपोजिट नंबर इसमें से तो हमारा टू सेवन इलेवन, सबसे पहले एक तो 12 होगा हमारा कंपोजिट नंबर, 25 हमारा कंपोजिट नंबर दो से ज़्यादा फैक्टर है, 30 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, 49 हमारा कंपोजिट नंबर है दो से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे। ओके, और 57 भी हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर दो से ज़्यादा इनके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, हमें समझना होगा कंपोजिट नंबर क्या है, वो नंबर होते हैं जो दो से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो जाते हैं या दो से ज़्यादा जिनकी जो दो से ज़्यादा टेबल में आते हैं। जैसे 12 किस किस की टेबल में आता है भाई, वन की टेबल में आता है, टू की टेबल में आता है, थ्री की टेबल में आता है, फोर की टेबल में आता है, सिक्स की टेबल में आता है और 12 की, तो दो से ज़्यादा फैक्टर हो रहे तो ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ओके।